दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बीसीसीआई ने ठुकराया तो नेपाल की टीम ने अपनाया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को बीसीसीआई ने भारतीय टीम से बाहर कर दिया है। ऐसे में ईशान किशन को अब दुनिया के सबसे प्रगतिशील क्रिकेट बोर्ड ने शामिल कर लिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज खेली जाने वाली है, लेकिन इस बीच बीसीसीआई ने ईशान किशन को अपने प्लान से बाहर कर दिया है। दरअसल ईशान किशन की भारतीय टीम को छोड़कर किसी और टीम से खेलने की खबर काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। इस दौरान ईशान किशन को नेपाल की टीम ने शामिल कर बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। तो आखिरकार क्या है पूरा मामला, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान किशन और रोहित शर्मा में से कौन है सबसे महान बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय टीम बांग्लादेश टीम के खिलाफ अब टेस्ट सीरीज खेलने वाली है। इस दौरान भारतीय टीम के अंदर काफ़ी बड़ा विवाद चल रहा है जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, जहाँ पर बीसीसीआई ने कुछ समय पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का ऐलान कर दिया था, जिसमें भारतीय टीम के साथ अब पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद अब भारतीय क्रिकेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा विवाद पैदा हो गया है। ऐसे में अब इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर श्रेयस अय्यर की तो वापसी टीम के अंदर हो चुकी है, जो हेड कोच गौतम गंभीर के आने की वजह से अपनी जगह पक्की कर चुके हैं, लेकिन ईशान किशन की जगह अभी पक्की नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ईशान किशन को अब भारत के बजाय दूसरे देश की तरफ से खेलने का मौका मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के हवाले से मेरी जानकारी के अनुसार पता चला है कि ये खिलाड़ी दूसरे क्रिकेट बोर्ड के साथ में लगातार पिछले कुछ समय से बातचीत कर रहा है। इस दौरान पता लगा है कि करीब 4 देशों ने ईशान किशन को अपने देश की तरफ से खेलने का ऑफर फिलहाल इन्हें दिया है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, अमेरिका ने तो ईशान किशन को खेलने का मौका दिया है, लेकिन अब नेपाल का नाम सामने आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के ऊपर बीसीसीआई की नाराजगी चल रही है, क्योंकि ईशान किशन ने बीसीसीआई के नियम का उल्लंघन करते हुए रणजी टूर्नामेंट को प्रेफरेंस ना देते हुए आईपीएल को प्रेफरेंस दिया था और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूरी बनाई, जिसको देख अब बीसीसीआई काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गया। ऐसे में ईशान किशन को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर भी कर दिया गया और अब इनकी एक नई तस्वीर सामने आई है, जहां पर ईशान किशन ने काफ़ी ज़्यादा बेहतर उपलब्धि हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब ईशान किशन को अपने देश की तरफ से खेलने का ऑफर नेपाल की टीम ने दे दिया है। उन्होंने बीसीसीआई से बातचीत करते हुए कहा है कि अगर ये खिलाड़ी तो इन्हें हमारे देश से खेलने का मौका इस समय दिया जाना चाहिए, जिसके लिए हम 200 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद लग रहा है कि ईशान किशन अब नेपाल की टीम की तरफ से खेल सकते हैं। ऐसे में अब नेपाल की टीम ने एक और ऑफर दे दिया है, जहां पर नेपाल की टीम ने कहा है कि वो नेपाल की टीम के साथ जुड़कर नेपाल की टीम के लिए कप्तानी भी कर सकते हैं, जिसके चलते नेपाल की टीम को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ईशान किशन को अब भारतीय टीम का साथ छोड़कर नेपाल की टीम की तरफ से खेलना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 के लिए हार्दिक पांड्या ने छोड़ी मुंबई की टीम, बेंगलुरु की टीम के लिए कप्तानी का संभालेंगे जिम्मा। विराट कोहली के कहने पर पांड्या को दिए गए इतने करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2025 में मेगा नीलामी होने वाली है, जिसमें ज़्यादातर खिलाड़ी अपनी टीम को छोड़कर दूसरी टीम में जाते हुए दिखाई देंगे। इस बीच मुंबई की टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने मुंबई की टीम का साथ छोड़कर बेंगलुरु की टीम में जाने का फैसला किया है। इस बीच बेंगलुरु की टीम ने हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने के लिए इतने करोड़ रुपए दिए हैं, जिसकी कीमत जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार क्या है पूरा मामला, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली में से कौन है महान खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2025 के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां पर इस बार के आईपीएल में मेगा ऑक्शन होने वाला है, जहां पर ज़्यादातर खिलाड़ी अपनी टीम को छोड़कर किसी और टीम के लिए खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में सबसे बड़ा नाम हार्दिक पांड्या का सामने आ रहा है, जो पिछले आईपीएल 2024 में सबसे ज़्यादा चर्चित थे। ऐसे में अब आईपीएल 2025 के लिए हार्दिक पांड्या का नाम एक बार फिर से सभी के सामने आ चुका है, जहां पर हार्दिक पांड्या को मुंबई की टीम से रिलीज़ किया जा सकता है। आपकी
जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई की टीम ने आईपीएल 2024 के लिए हार्दिक पांड्या को गुजरात की टीम से ट्रेड किया था और अपनी टीम में शामिल करने के साथ अपनी टीम का कप्तान बनाया था और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था क्योंकि रोहित शर्मा 5 बार चैंपियन बन चुके थे और हार्दिक पांड्या सिर्फ 1 बार चैंपियन बन पाए हैं। हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए जाने के बाद पूरे आईपीएल में मुंबई की टीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ था, जहां पर मुंबई की टीम जहां भी खेलने के लिए जाती थी तो हार्दिक पांड्या को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाता था, उनको बिल्कुल भी फैंस का सपोर्ट नहीं मिल रहा था और टीम के अंदर भी काफ़ी बड़ी साजिश के तहत बदलाव देखने को मिल रहे थे, जहाँ पर टीम के ज़्यादातर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या का साथ नहीं दे रहे थे। हालाँकि खुद हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन भी काफ़ी ज़्यादा खराब रहा था, जिसके चलते मुंबई इंडियंस की टीम अपना सबसे खराब प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी थी और आईपीएल 2024 के लिए प्रयोग में भी नहीं जा पाई थी। ऐसे में अब आईपीएल 2025 को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर सूत्रों के अनुसार पता चला है कि हार्दिक पांड्या को अब मुंबई की टीम छोड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में हार्दिक पांड्या अब मेगा नीलामी में काफ़ी बड़ी रकम के साथ अब उतरने वाले हैं। हार्दिक पांड्या को लेने के लिए सभी टीम बेकरार हैं क्योंकि उनके पास में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने की काबिलियत मौजूद है, साथ में कप्तानी करने की भी काबिलियत उनके पास बेहतर तरीके की मौजूद है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि हार्दिक पांड्या को ज़्यादातर टीम कप्तान के तौर पर सफल होने के कारण बड़ी रकम देने के लिए तैयार भी है, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि बेंगलुरु की टीम हार्दिक पांड्या को लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है क्योंकि हार्दिक पांड्या एक ब्रांड प्लेयर हैं और उनको लेने से बेंगलुरु की टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी तो मजबूत होगी ही, साथ में बेंगलुरु की टीम को एक भारतीय कप्तान भी मिल जाएगा जो विराट कोहली के साथ बेहतर बॉन्डिंग कर सकता है। ऐसे में हार्दिक पांड्या को लेने के लिए बेंगलुरु की टीम मेगा ऑक्शन में किसी भी कीमत पर उन्हें शामिल करने के लिए तैयार है, जिसके लिए वो 25 करोड़ रकम भी खर्च करने के लिए तैयार हो गई हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या को आरसीबी की टीम का कप्तान बनना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच सांस से रोक देने वाला पहला T20 मुकाबला देखने के लिए उत्साहित हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 में टॉस जीतकर कप्तान सूर्या ने चुन लिए बल्लेबाजी, भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान में उतरकर मचा दिया तांडव। तो आखिरकार कितना हो गया भारत का स्कोर, कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है, कितने रन बनाकर कप्तान सूर्या ने दिया, कितने रनों का महत्वपूर्ण योगदान, कौन है शतक के सबसे करीब, ये सब कुछ इस मुकाबले की एक एक लाइव डिटेल हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है कि सूर्या, हार्दिक और अभिषेक शर्मा में कौन सबसे खतरनाक T20 खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, आपका समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते हैं कि सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को 3-0 से किसी मच्छर की तरह मसल दिया, जिसके बाद जीत के रथ पर सवार अब कप्तान सूर्या और उनकी पलटन के सामने एक चुनौती नहीं है, एक और चिर प्रतिद्वंदी टीम भारत से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो चुकी है और अब एक ऐसी रोमांचक सीरीज का ऐलान हो चुका है जिसमें फन भी होगा, एक्साइटमेंट भी होगा और मैदान पर ऐसी तगड़ी जंग होगी जो पहले कभी नहीं देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बस थोड़ी देर में टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा शुरू होने जा रहा है, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक T20 सीरीज का आयोजन किया जाएगा। हालांकि ये सीरीज बांग्लादेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में खेली जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश में कैसे हालात हैं ये तो आपको मालूम ही है, वहां के लोग सुरक्षित नहीं है, तो हम अपनी टीम इंडिया को वहां तो बिल्कुल भी नहीं भेज सकते, इसीलिए बहुत जल्द बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इंडिया आने वाली है। इसके पूरे स्केड्यूल का ऐलान किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसकी तारीख सामने आ चुकी है। आपको बता दें, पहला T20 मुकाबला 27 अगस्त को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके बाद यह कारवां पहुंचेगा दिल्ली, जहां 29 अगस्त को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 मैच में दो दो हाथ करते नजर आने वाले हैं। तो फिर अंत में सीरीज का फुल और फाइनल तीसरा T20 मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाने वाला है और इस T20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करेगा। जैसा हमेशा होता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच हमेशा कांटे की टक्कर होती है। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण Disney+ Hotstar के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जहां बिल्कुल मुफ्त में ये सीरीज देख सकते हैं। वो टीवी स्क्रीन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा, जहां ये सभी मुकाबले शाम 7:30 बजे से खेले जाएंगे।
इसमें टॉस के लिए सिक्का शाम 7 बजे उछाला जाएगा, यानी कि इसे कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। और ये T20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी, इसी कारण BCCI भी काफी सीरियस हो चुकी है। जैसा कि आप तो जानते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब T20 सीरीज हुई थी, तब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शायद चुनौती उतनी आसान नहीं रहे, क्योंकि भारत की पिचेस अलग बर्ताव करती हैं और बांग्लादेश के पास भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। ऐसे में BCCI ने सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं। कप्तान तो एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ही रहने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी भारत की प्लेइंग 11 में रहेंगे, उन्हें उप कप्तान बनाया गया है। इसी के साथ ही कई नए चेहरों को भी इस T20 सीरीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलिए BCCI द्वारा तैयार की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखा देते हैं।